हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त अभिषेक झा स्वागत करता हूँ माय होम ब्लॉग चैनल पे। ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हम ई रिक्शा पे निकल चुके हैं हम लोग, और नोएडा सेक्टर 18 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जस्ट मार्केट में अभी हम लोग इन्हें, और ये लीजिए हम लोग पहुंच गए सेक्टर 18 के मार्केट पे। और इस ठंड में, जो ठंड अब गली में आ चुकी है, तो मुंगोड़े जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राम लड्डू जो बहुत फेमस है यहाँ पे, और गरम गरम जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये राम लड्डू हमने एक प्लेट ऑर्डर किया हुआ है अभी। और देख पा रहे हैं काफ़ी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, ब्रेड पकौड़ा है यहाँ पे, भजिए है यहाँ पे, और इसका आनंद लेते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। और ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, और आज का सफ़र इन्हीं के साथ स्टार्ट करेंगे और आनंद लेते हुए राम लड्डू के पुदीने की चटनी, उसके ऊपर मूली, वाह क्या स्वाद है, और काफी गरम गरम भी है, और इसके लिए हुई धूप में धनिया का स्वाद कैसा लग रहा है? आनंद देते हुए अनुभव सिन्हा की तरह, अनुभव सिन्हा की तरह, और उसमें क्या क्या मिला हुआ है? जैसा कि आप धनिया, पुदीना और सब बस ये आपको दिल्ली में भी हर जगह मिल जाएगा। आप सेक्टर 18 में आएंगे तब भी मिलेगा, और ये सेक्टर 18 का मेन लोकेशन है, ट्विन टावर है। और चलिए इस खिली हुई धूप का आनंद लेते हुए, और सामने आपके जैसा कि आपने देखा लेकिन कैसे था, और हम लोग चलते हैं अपने सफर में आगे की ओर। और मैं बता दूं कि दिल्ली के सफ़र में आपको और भी चीज़ें दिखाते जाऊँगा। ये हीरा स्वीट्स काफ़ी पुरानी शॉप है यहाँ की, और सामने आप डोमिनोज भी देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोविड के कारण बहुत ज़्यादा रश नहीं है जो पहले हुआ करता था सेक्टर 18 में, फिर भी लोग शॉपिंग करने तो करते ही हैं। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये जस्ट बैक साइड है वेव के, और बिल्डिंग आप इसकी देख पा रहे हैं, और आनंद लेते हुए इस सफर का आपको दिखाता हूँ। आगे देखिए, छोटे छोटे बच्चे अपने फैमिलीज के साथ में एंजॉय करते हुए, और ये यहाँ की फेमस वाइन शॉप है। काफी ज्यादा रश रहता है यहाँ पे शाम के समय। ये ठीक आप वेब सिनेमा के ठीक पीछे थे, और चलिए आपको एक नई जगह और दिखाता हूँ मैं। वैसे तो यहाँ के लोगों को तो सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन हमारे कई सब्सक्राइबर हैं और जो जुड़ेंगे उनको मैं बता दूं कि सेक्टर 18 जब भी आप आएँ तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस फूड रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा, हमारे धर्मपाजी का, धर्मेंद्र जी का, ये गरम धर्म जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा जॉइंट है ये, बहुत ही फेमस लोकेशन है ये। और सब देख पा रहे हैं कि ये रहा गरम धर्म, ये बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट जॉइंट है यहाँ पे, और ये चारों तरफ का एक व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको कैसा लग रहा है देखने में, ताकि आप जब भी आए आप भी इस चीज़ का आनंद लें यहाँ पे। काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, और मौसम भी काफ़ी साफ है। दो दिनों के बाद गली में
निकल के आई है तो काफ़ी साफ सुथरा आपको जैसा कि दिख पा रहा होगा चारों तरफ। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको एक आंटी के मोमो बहुत ही फेमस यहाँ पे एक स्ट्रीट फूड है जहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। काफ़ी फेमस है यहाँ पे, यहाँ के लोग इसके बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से और काफ़ी अच्छा ये स्ट्रीट फूड इंजॉय करने का एक बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाट मिल जाएंगे आपको, जूसेस मिल जाएंगे यहाँ पे, डिफरेंट वैराइटीज चिकन के सारे चाइनीज आइटम सब कुछ यहाँ पे आपको छोटे से प्लेस पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप सामने अभी आप देख पा रहे हैं, चलिए चलते हैं आपको आंटी के मोमोज खा के देखते हैं। यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया कि काफ़ी फेमस है और बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है यहाँ पे, तो चलिए एक मिनट लेके देखते हैं। चिकन मोमोज का ऑर्डर किया हमने, तो खा के देखते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। जितनी तारीफ यहाँ की गई है उतनी ज़्यादा इसमें स्वाद है या नहीं है तो आपको खा के बताते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और कोविड के समय में विदाउट मास्क रहना ठीक नहीं है। देखिए सब लोग, कोई ये भाई साहब गमछा लपेट के मास्क की तरह प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए चिकन मोमोज का आनंद लेते हैं और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं। काफ़ी गरम गरम बिल्कुल इस ठंड के मौसम में और ये लाल चटनी, मेयोनीज, पुदीने की चटनी, और चलिए टेस्ट करके देखते हैं फिर बताते हैं और फिर मैं इसकी स्टफिंग भी आपको दिखाऊंगा क्या है, कैसी फीलिंग है इसकी। तो आनंद लेते हुए ये देखिए इसकी स्टफिंग, बिल्कुल चिकन भरा हुआ है इसके अंदर में और हल्का सा धनिया इसके अंदर है और आनंद लेते हैं इसका। और जैसा कि देख ही पा रहे हैं काफ़ी टेस्टी है ये और जो इसकी सॉस है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है यहाँ पर और फीलिंग काफ़ी अच्छी तरह से इसमें आ गया है। कोई इसमें सोया वगैरह कुछ नहीं डाला है, चिकन है, चिकन तो केवल चिकन ही इसके अंदर है। तो देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर, तो इसका आनंद लेते हुए देख पा रहे हैं जैसे ये बिल्कुल ही फुली केवल चिकन ही चिकन है चारों, कुछ भी और ना नहीं भरा गया है इसके अंदर में, जैसा कि कई जगह पे होता है कि चिकन के साथ कुछ और भी डाल देते हैं। और देख पा रहे हैं ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ये तो काफ़ी फेमस जगह है ये, देखिए बिल्कुल जल जला है। तो आप भी आएँ अपने फैमिलीज़ के साथ आएँ और आंटी के मोमोज आएँ यहाँ पे, आपको हर वैरायटी के यहाँ पे चिकन मीन्स मोमोज आपको मिल जाएंगे। आपको चिकन मोमोज है यहाँ पे, सोया है, वेज है, सब कुछ है, आप सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। और ख़ासकर आप जैसा कि मौसम देख पा रहे हैं, मौसम अब ठंड बढ़ती जा रही है, शाम का समय है ये 4 से 5 के बीच का, मोमोज का आनंद लेते हुए और आप यहाँ पे आप मुझे देख पा रहे दोनों लोगों को। और ये शाम का व्यू है, सूरज ढलने की ओर है और बहुत ही अच्छा मौसम है आज का। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक तो आप इंजॉय करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ को आप देख पाएँ। तो चलिए चलते हैं।